मोहनदास करमचंद गांधी <laughs> देखो अंकल तीन नाइट से अपन सोएला नहीं है खाली पीली दिमाग खराब किया ना तो तो खाली पीली क्या करोगे उम्र का लिहाज कर रहा हूं अंकल पढ़ाई करने दे नहीं तो नहीं तो क्या करोगे मारोगे तुम दाए गाल पे मारोगे तो मैं बाया गाल आगे कर दूंगा प्रोफेसर साहब Every being that exists or lives. It is not a blind law, for no blind law can govern the conduct of living beings. गांधी जी का योम पैदाइश है इस मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ गांधी जी की शहादत को 60 साल पूरे हो चुके हैं गुज्त 60 सालों में गांधी जी की शख्सियत और तालीमत पर कई सेमिनार हुए हैं कई तहकीकी मकाले लिखे गए हैं जहाँ ये देखने की कोशिश की गई है कि गांधी जी विरासत में हमें क्या दे गए हैं यहाँ ये भी देखने की कोशिश की गई है कि जो गांधी जी की तलीमत है वो आज की बदलती दुनिया में क्या उसकी अहमियत वफादियत बाकी है इक्कीसवीं सदी आलमियाना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है इस इतलाती टेक्नोलॉजी में आए तरक्की के वजह से हमारा पूरा आलम ये दुनिया सिकुड़कर एक ग्लोबल विलेज यानी कि एक आलमी गांव में तब्दील हो गई है साथ ही साथ कई एक नए मसाइल भी हमारे सामने खड़े हुए हैं जैसे दहशतगर्दी आज कोई मुल्क कोई कौम कोई शहर इससे महफूज नहीं है इसके असरत हमारी नौजवान नस्ल पर भी पड़ रही हैं शायद इसलिए यह महसूस किया जा रहा है कि पहले से कई ज़्यादा आज गांधी जी के असूल जैसे सत्याग्रह अदम तशद वगैरह की अहमियत में इजाफ़ा हुआ है इन्हीं कुछ मुद्दों पर गुफ्तू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदो किया है प्रोफेसर एस रहमतुल्ल को जो कि डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल अब्दुलकयूम जो कि रीडर हैं शोब नज़मुनस्का नस्क आमा और सियासियात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आप दोनों का स्टूडियो में खैर मकदम है प्रोफेसर साहब आप हमें ये बताएं कि महात्मा गांधी के जो नज़रियात थे उसके असरा हमारी तहरीक आज़ादी पे किस तरह पड़े और सिर्फ हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी पर भी नहीं बल्कि दूसरे अकवाम पे भी इसके क्या असर थे आपने देखिए जो बहस छेड़ी है जो सवाल किया है वो दो पहलुओं पर मुश्तमिल है जी उसका एक पहलू है महात्मा गांधी के नज़रियात का असर तहरीक आज़ादी पर किस तरह पड़ा जी जी और उसका दूसरा पहलू है महात्मा गांधी के जो नज़रियात नसर, नसर, हैं उनका असर दीगर अकावाम पर किस तरह से पड़ा है तो इन दोनों पहलुओं पर इजहार ख़्याल करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी के नज़रियात की तश्कील की इब्ता दरअसल जुनूबी अफ्रीका से हुई है से। तो महात्मा गांधी जब जुनूबी अफ्रीक़ा में थे तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ हिंदुस्तानियों के हकूक़ को पामाल किया जा रहा था उनको हकूक़ से महरूम किया जा रहा था तो उन्होंने मुनासिब समझा कि एक जद्दोजहद करें और हिंदुस्तानियों को हकूक़ दिलवाएं वहीं उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि उनका मुकाबला एक ऐसी कौम से है जो कि ताकतवर है जी और जबकि वहाँ हिंदुस्तानी गैर मुनम हैं और कमज़ोर हैं तो हाँ तो लिहाजा उन्होंने यह मुनासिब समझा कि खामोश मज़ाहिमत से अपने मकसद को हासिल करें जी और उसी रास्ते को अपना कर वहाँ पर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की और जब वो हिंदुस्तान पहुँचे तहरीक आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया तो जनूबी अफ्रीका का उनका जो अपना तजर्बा रहा उसी तजुबे को उन्होंने हिंदुस्तान में भी अपनाया जी लिहाजा उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाया उनका उसूल था कि तरक्की हासिल करने के लिए जान देने के लिए तैयार होना चाहिए मगर किसी की जान नहीं लेनी चाहिए तो इसके अलावा वो उनका एक नज़रिया और भी था कि तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ाने आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में जो मुख्तलफ़ अमाम के लोग हैं या मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग हैं उनमें एक इतिहाद होना चाहिए तो गांधी जी के ये नज़रियात को लेकर मुख्तल लोगों ने आगे बढ़ा और आखिरकार आज़ादी भी हिंदुस्तान को हासिल हुई अब रही बात आपके सवाल के दूसरे पहलू की कि दीगर अकवाम पर गांधी जी के नज़रियात का क्या असर रहा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी का एक असर ये रहा कि आज़ादी की अपनी लड़ाई ख़ुद अपने को लड़नी चाहिए कोई बाहर से दूसरा आके अपनी जानब से कोई लड़ने वाला नहीं, नहीं रहेगा ख़ुद अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी चाहिए जी। और एक दूसरा असर जो दूसरे अखवाम पर हुआ वो ये कि लोगों ने यह महसूस किया कि अगर हम आपस में क़ायम करते हैं और इतिहाद के ज़रिए अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो हम बासानी अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं इसके अलावा गांधी जी का एक तीसरा असर जो दूसरे अकामाम पर पड़ा वो है हसूल मकसद का जरिया अदम तशद है जी। तो लिहाजा दीगर अवमाम ने भी इसी जरिए को अपना कर अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश की है तो बिलाखिर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह गांधी जी के नज़रियात न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों पर बल्कि दीगर अव के लोगों पर भी मुरतब हुए हैं जी प्रीम साहब ये बताइए कि आलमियाना के चलते दुनिया में कई तब्दीलियाँ आई हैं जी जी तो इस पस मंज़र में आलमियाना के पस मंज़र में आप महात्मा गांधी के ख्याल को किस तरह से देखते हैं ये बात सही है कि आलमियाना का दौर आज इस हद तक वसी हो चुका है कि सियासी इकतदार तस्वर बेमाना हो चुका है मैं इससे पहले भी यह बात कह चुका हूँ कि ममालिक अपने हदूद और अपने जोग्राफे से बाहर निकल कर तल्लुत को पैदा कर रहे हैं इस तरह से एक आलमगीर कायनात एक आलमगीर दुनिया और आलमगीर सियासी माहौल पैदा हुआ है लेकिन सवाल यह है कि आलमियाना हम किसे कहेंगे डब्ल्यू टी ओ के मुताबिक तजारती रुकावटों को दूर करने का नाम आलमियाना है जी मतलब ये कि अमीर ममालिक और गरीब ममालिक के दरमियान तजारत में कोई भेदभाव ना हो और ये कि कोई भी मुल्क अपनी पैदावार को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकता है और वहाँ पर फरोख कर सकता है गोया दूसरे मानों में माशी कौम परस्ती इकनॉमिक नेशनलिज़म का जो तस्वर है वो बाकी नहीं रहे लेकिन देखने वाली बात जो है सलील साहब वो ये है कि क्या इस तरह से गरीब मुमालिक, आलमी आलमियाने की इस दौड़ में पनप पाएंगे रह सकेंगे और तरक़्ी याफ्ता ममालिक पैदावार और उनके उनके उनकी क्वालिटी का क्या मुकाबला कर सकेंगे तो जाहिर है कि यहाँ पर तरक्की मसावी नहीं होगी अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान तजारत में काफ़ी बड़ा तफावत पैदा होगा दूरियाँ आ जाएंगी चूँकि गरीब ममालिक जो पैदावार है मामूली अशा पर मुश्तम होगी और तरखी मुमालिक की जो पैदावार है वो भारी मसनवाद पर मुश्तम होगी और इसके अलावा उसका मैार भी अलग होगा तो इसके नतीजे में अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क़ है दुनिया में वो जो पहले से है वो और बढ़ता जाएगा तो ऐसी सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि मसाबिकत में ग़रीब ममालिक साथ नहीं दे सकते यहाँ पर गांधी जी के तालीमत का जो रिलिवेंस है वो ये है कि आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान गांधी ने हिंदुस्तानियों को जो पैगाम दिया था वो ये था कि हिंदुस्तानी मासी तौर तो पर ख़ुद ख़ुदमुख्तफी हों अपने तौर पर पैदावार को को हासिल करें ख़ासतौर तो पर गांधी ने कहा था कि स्वदेशी का इस्तेमाल करें विदेशी का बैकाट करें गैर मुल्की अशिया का बैकॉट करें और लोग हिंदुस्ानी खास तौर तो पर अपनी हाथों से बनाई ही पैदावार का इस्तेमाल करें यह तजुर्बा उन्होंने जनूबी अफ्रीका में भी किया था आप जानते हैं कि टॉल स्टाई फार्म में वहाँ पर उन्होंने लोगों को ख़ुद मक्तफ़ी बनाने पर तोज़ दी थी और हिंदुस्तान में भी उन्होंने ख़ास तौर पर सूत काटने के लिए चरखे का इस्तेमाल और और सूती सूती कपड़ों का इस्तेमाल वगैरह का किया था तो इसका मतलब ये है कि गांधी का जो तस्वूर था वो आलमगीरियत का तस्वूर था आलमियाने का तस्वूर नहीं था ये आलमी मोहब्बत भाईचारगी और बाहमी ताल्लुत का तस्वूर था ना कि जिसना एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर गलबा चाहे वह आलमानी की शक्ल में हो या नवाजद की शकल में हो, या की शकल में हो ही नहीं था रमतुल्ल साहब जब बात आलमियाना और आलमी माशियत की चली है तो मैं चाहूँगा कि हम महात्मा गांधी के आलमी माशी नजरियात पर भी एक जायज़ा लें उनका उसका भी जायज़ा लें और मैं चाहूँगा कि आप ये हमें बताएं कि महात्मा गांधी के जो नजरियात थे माशी नज़रियात वो आज के आलमी माशी नजरियात के कितने करीब हैं आलमियाना के जो माशी नज़रियात हैं और महात्मा गांधी जी के जो माशी नज़रियात हैं।, हैं जी इनके दरमियान कई मामल में तज़ाद पाया जाता है और ये एक काफ़ी वसी पहल टॉपिक है मौजू है जो कि कई पहलुओं को अपने में समाये हुआ है जी जैसा कि मैंने कहा आलमियाना की माशी पॉलिसी और महात्मा गांधी की जो माशी पॉलिसी है उनमें जो तजाद पाया जाता है कई मामलों में ये हम बासानी महसूस कर सकते हैं जैसे आलमियाना का एक पहलू ये है कि जिसको सर्वाइवल ऑफ़ फिटेस्ट कहा गया जबकि महात्मा गांधी के जो नज़रियात हैं वो कुछ अलग किस्म के हैं उन्होंने सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट की बात नहीं कही बल्कि सर्वाइवल ऑफ़ आल की बात कही उन्होंने दरिद्र नारायण की भी बात कही थी उनका ये मानना था कि गरीब से गरीब आदमी भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें ये एक बुनियादी फ़र्क़ पाया जाता है आलमियाना की माली माशी पॉलिसी और महात्मा गांधी की माशी पॉलिसी में और दीगर कई पहलुओं में भी इस तरह का फ़र्क हम महसूस कर सकते हैं जैसे आलमियाना की माशी पॉलिसी का एक पहलू यह है कि हतमान जितना हो सके आप दौलत को कमाइए जी जबकि महात्मा गांधी कुछ दूसरे ख्याल के हामी थे वो ये इस बात के हामी थे कि जिस तरह कम से कम आमदनी की हद मुकर की जाती है उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी की किसी भी शख्स की ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी की हद को भी मुकर करना चाहिए जी, जी। और जी। इस तरह कई दूसरे मामल भी हैं जहाँ पर हम ये दोनों माशी पॉलिसियों के मबाइन फ़र्क को आ, महसूस कर सकते हैं जैसे आलमियाना में मादा परस्ती अपने को नज़र आएगी जी अकदार की कोई अहमियत वहाँ अपने को नज़र नहीं आएगी जबकि गांधी जी अकदार को काफ़ी अहमियत दिया करते थे एक और फ़र्क़ जो कि आलमियाना की माशी पॉलिसी और महात्मा गांधी जी की माशी पॉलिसी में जो मौजूद है वो ये कि आलमियाना में समाजी जिम्मेदारी पर कोई तवज्जो नहीं मरको की जाती है जी जबकि महात्मा गांधी समाजी समाजी ज़िम्मेदारी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने पर ज़ोर दिया करते थे उन्होंने नाइनटीन में कराची, सेशन, कराची सेशन में एक माशी ख़रारदात भी पेश, पेश किया था जिसमें उन्होंने ज़ोर दिया था कि हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान तालीम और सेहत ये तमाम सहूलतें दस्तियाब हों तो गोया महात्मा गांधी समाजी जिम्मेदारी पर ज़्यादा तोज्ह दे रहे थे जबकि आलमियाना के इस दौर में इस माशी पॉलिसी में इस जानब कोई तोजह मरकूस ही नहीं की जा रही है बल्कि मैं ये कहूँगा कि यह दौर ये ये बताता है कि जो कमाया उसकी रोटी बस ऑफ जो, 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 जो जितना जो कमाएगा उतना खाएगा क्या तस्वीर ये बात हो रही है और एक आखिरी पहलू जो हो सकता है वो ये कि आलमियाना की माशी पॉलिसी में कमज़ोर का इस्तेसाल किया जाता है जहाँ तक हो सके अगर फर्ज कीजिए कोई कमज़ोर आपके सामने आए चाहे वो कोई फ़र्द हो कोई इदारा हो या कोई मुल्क हो तो उसका इस्ताल उसके वसायल का इस्तान जहाँ तक हो सके करने की कोशिश की जाती है जबकि गांधीज़म का जो बुनियादी फलसफा है वो कमज़ोर का इस्ताल नहीं है बल्कि कमज़ोर की मदद करना कमज़ोर को ज़्यादा से ज़्यादा मौे फराहम करना और कमज़ोर की तरक्की के अजात पैदा करना है तो गया इस तरह आलमियना की माशी पॉलिसी और महात्मा गांधी की माशी पॉलिसी में काफ़ी फ़र्क है और कई मामलों में हम तजाद को पाते हैं प्रीम साहब अब मैं गुफ्तगू को महात्मा गांधी के एक अहम उसूल की जानब ले जाना चाहूँगा वो है अदम तशद जी नाइन एलेवन के बाद हमने देखा है कि कई वाक़े इस तरह के हुए हैं जहाँ पे दहशत गर्दी के वाके जो हैं बढ़ते जा रहे हैं जी पूरी पूरी दुनिया में जी आ, इस पस मंज़र में अगर आप देखें कि बम का कल्चर और धमाके ये सब इस तरह के वाके बढ़ते जा रहे हैं रोज़मर्रा का मामूल मामुल बन गया। बिल्कुल तो आ, मैं चाहूँगा कि इस पस मंज़र में आप हमें ये बताएं कि महात्मा गांधी के जो नज़रियात थे वो किस तरह हमारी रहनुमाई कर सकते हैं आज के दौर के जी सरील हाँ। खादर साहब आपने इब्तदा में ही ये बात बताई है कि आज कोई मुल्क कोई शहर या कोई कौम तशद के असर से आज़ाद नहीं है हर तरफ हमको ज़िंदगी में तशद नजर आता है और ये एक बिल्कुल नई तहजीब और नए माहौल को जन्म दे रहा अगर आप इंसानी मसाइल की बात करें तो ऐसा नहीं कि मसाइल सिर्फ़ आज हैं और आज से पहले के समाज में या पहले के दौर में कभी नहीं थे बिल्कुल पहले भी मसाइल थे चनाचे खासतौर पर अगर हम गांधी की शख्सियत से अगर इस्तफा करना चाहें और उनके तजुर्बा से अगर हम फ़ायदा उठाना चाहें तो हमको ये बात दिखाई देती है कि गांधी जब जुनूबी अफ्रीका गए थे वहाँ पर उन्होंने जब देखा के एक का मुकम्मल निज़ाम वहाँ पर है और आ, आ, बहुत ज़्यादा इसतसाल है ख़ास पर हिंदुस्तानियों का इसतसाल है तो गांधी जी ने उन अपनी उम्र के पचासवें साल के दौरान में जो तजुर्बा किए थे उसका उसका पहला जो जो असर था वो ये था कि उन्होंने अदम तशद के असूल को अपनाया बेशक और सत्याग्रह के असूल के उूल को, को उन्होंने वहीं से हासिल किया अपने मकसद को हासिल करने के लिए तशद को इस्तेमाल करने के बजाय गांधी जी अदम तशद के जरिए खामोशी खामुश के जरिए से खामोश मज़ामत के जरिए या खामोशी के जरिए से अपने अपने मसाइल और अपनी बात को पेश करना चाहते थे खासतौर पर अगर आपको अगर आप देखें गांधी का जो पहला तजुर्बा जनूबी अफ्रीका में था वो ट्रेन से उन्हें उतार दिया जाने का था। जी जी और गांधी ने वहाँ पर कोई बड़ी मज़ामत नहीं की सिर्फ अपने जायज़ हक़ हाँ को पेश किया कि भाई मेरे पास तो टिकट है फर्स्ट क्लास का टिकट मैं रखता हूँ लिहाजा मुझे सफ़र करने का पूरा हक़ है लेकिन जब जब टी टी नहीं माना और उनको उनको साम उनका सामान समेत बाहर निकाल दिया तो वो सारी रात इंतज़ार करते रहे और दूसरे दिन अपना इंतज़ाम दूसरी ट्रेन के जरिए कर लिया वहाँ से उनको ये सबक़ मिला कि तशद का जवाब आप तशद नहीं हो सकता तो हमारे लिए गांधी का पैगाम इस वक्त ये है कि हम अदम तशद के रास्ते को अपनाएं ख़ासतौर पर जैसे गांधी ने कहा था कि मैं अपने दुश्मन सांप के से अपने दुश्मन का जहर भी चूसने के लिए तैयार और गांधी जी ने यह भी कहा था अगर कोई आपके एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल आगे बढ़ाइए जी गांधी तो, जी ने यह भी कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड जी like. जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी, तो इस तरह से यहाँ पर मकसद के लिए अपनाया जाने वाला रास्ता और तरीक़ा भी सही होना चाहिए बिल्कुल गांधी ने यह नहीं कहा था कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी जरिए को अपनाया जाए जैसे एंड्स जस्टिफाइज मीन्स जी गांधी इसकी नफी करते हैं जी, गांधी जी। ने नहीं कहा कि आपका एंड जो है उसके लिए किसी भी मीन को किसी भी तरीके को अपनाए नहीं अच्छे मकसद को हासिल करने के लिए अच्छा जरिया भी अपनाना जरूरी है जी मकसद का नेक होना अच्छा होना अहम नहीं है बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाने वाला जरिया भी अच्छा हो और बेहतर हो चुनाचे यहाँ पर ख़ास तौर पर यह है के गांधी के, की की तालीमत में और उनकी सरगर्मियों में आप रूहानियत के और अमली आ, अमली तौर पर आ, अमली इकदाम के अमली इकदाम को देखेंगे जैसे मिसाल के तौर पर गांधी ने चौरी चौरा के वाक़े में आप देखें कि जब तशद पैदा हुआ गांधी के नाम गांधी ने जब आ, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो उसके जवाब में आप देखते हैं कि चौरी चौरा का एक बड़ा वाक़ वाक़ा हुआ जहां पर लोग एक पुलिस स्टेशन का घेराव किए और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें कोई 22 पुलिस वाले मारे, मारे गए गांधी को जब इसकी तला मिली तो उन्होंने इस पर बहुत ही नाराजगी का इजहार किया और उसे वापस उस तहरीक को पूरी तहरीक को वापस ले लिया हालांकि ये वो वक्त वक्ता जबकि तहरीक अपने उरूज पर थी जी और कांग्रेस के रहनुमा बहुत से रहनमा इस बात से नाला थे नाराज़ थे कि गांधी ने एक ऐसे वक्त जबकि तहरीक कामयाबी से हमकिनार हो रही थी वो इन्होंने इसको वापस ले लिया तो गांधी का जवाब यह था रहमत लाला साहब गांधी जी अपने फैसले पर अटल रहे गांधी गांधी अपने फैसले पर अटल रहे और गांधी ने यह कहा कि अगर तशद्द के ज़रिए आज़ादी मुझे आज हासिल होती है तो मैं ऐसी आज़ादी आज नहीं लेना चाहूँगा और मैं इसके लिए और सौ साल इंतज़ार कर सकता हूँ मतलब है कि वो किसी और वक्त तक के लिए इंतज़ार कर सकते हैं किसी भी मुद्दत तक इंतज़ार कर सकते हैं अदम तशद के जरिए मकसद को हासिल करना बहुत अहम बात है चाहे जाए कि आप अपने मकसद के लिए किसी भी तरीक़े और ज़बरदस्ती को इस्तेमाल करें इसी मुद्दे चुना? को मजीद मैं बढ़ाना चाहता हूँ रमतल साहब की दो 2007 में अवी मुत की जनरल असम्बली ने यह ऐलान किया था कि दो अक्टूबर जो गांधी जयंती जो हम मनाते हैं आ, उस दिन को बी योम अदम तशद या, या इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा इसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए सलील ख़ादर साहब आपने अपने इब्तदाई कलमात में ही कहा था कि आज की जो सूरत हाल है कोई शहर कोई मुल्क कोई कौम तशद से आज़ाद नहीं है जी हर जगह अक्सर इस तरह के वाकियात हैं ना देखने को मिलते हैं तो ऐसे में अमन के पैगाम को आम करना लाजमी है जी आज एक तबका इस बात को मान कर आगे बढ़ रहा है कि तशद के, के ज़रिए अपने मखासद को हासिल किया जा सकता है जबकि ऐसा नहीं है जी तशद के ज़रिए न सिर्फ मौजूदा मसाइल में इजाफ़ा होगा बल्कि आने वाले नस्लों के लिए भी कई मसाइल पैदा होंगे जी तो ऐसे में अगर दुनिया को सही रास्ता बताना है तो दुनिया के सामने ये बात लाना ज़रूरी है कि अदम तशद के ज़रिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए जा सकते हैं तो तारीख़ आलम में इसकी बेहतरीन मिसाल गांधी जी का ख़ुद का अपना अमल रहा है उनके अपने तालीमात रहे हैं जी। उन्होंने अदम तशद के ज़रिए एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है उन्होंने पूरी कौम को अपने साथ लिया है और हिंदुस्तान के लिए आज़ादी हासिल की है तो इसी पस मंज़र को पेश नज़र रखते हुए या इसी कैफ़ियत को पेश नज़र रखते हुए या अदम तशद के ज़रिए महात्मा गांधी जी ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसको पेश नज़र रखते हुए यू एन ओ में मतहदा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि महात्मा गांधी के योम पैदाइश को यौमे अदम तशद के नाम से मौसम किया जाएगा और उसी नाम से मनाया जाएगा ताकि फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली नस्ल को भी इस बात का एहसास हो कि तारीख में ऐसे अजीम कारनामे भी हुए हैं जिनसे ये इबरत मिलती है कि हम अदम तशद के जरिए कारहााय नुमाया अंजाम दे सकते हैं जी, जी तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि गांधी जी की शख्सियत सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए मानवियत नहीं रखती बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पूरे पूरे पूरी इंसानियत के लिए मानवियत रखती है आज के इस दौर में भी कुछ हट के एक सवाल करना चाहता हूँ मैं जी जी कई साल पहले महात्मा गांधी पर एक फिल्म आई थी रिचर्ड एटनबरो की गांधी, जी, जी, गांधी बड़े पर्दे पर और हाल में एक और एक हल्की फुल्की सी एक फिल्म आई थी भाई। लगे रहो मुन्ना जिसमें गांधीयत को गांधीगिरी के तौर पर पेश किया गया था इस फिल्म को आ, हमारी नौजवान नस्ल ने बहुत पसंद किया जी तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि गांधी जी की जिंदगी से उनकी तालीमत से हमारे जो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किस तरह फैज पा सकती है देखिए गांधी गांधी गिरी या गांधी इजम के मुतल तो ख़ुद गांधी ने यह कहा था कि वो किसी गांधी इज़म में यकीन नहीं रखते गांधी ने अपने आप को एक कर्मयोगी कहा था जी कि वो जैसा ना मैदान अमल के गाज़ी बनना चाहते हैं एक फ़लसफ़ी या फिर जैसा ना एक एक, एक, एक थ्यूरिस के तौर पर अपने आप को नहीं देखना चाहते तो गांधी की सारी ज़िंदगी आप देखें અને ગાંધી કા જો તજરૂબા જનૂબી આફ્રિકા સે શુરુ હોતા હૈ ફિર ઉસકે બાદ 1915 મે વો હિન્દુસ્તાન આયે હિન્દુસ્તાન આને કે બાદ હિન્દુસ્તાન કે સિયાસત મે જો દાખિલ હોને સે પહેલે ઉનહોને હિન્દુસ્તાન કે તુલવાર્સ કા ડૌરા કિયા ઓર હાલત કા જાઈઝા લિયા ઓર ફિર તબ જસને જદદ જદ આઝાદી કી કમાન્ડ અપને હાથ મે લી ઇસ પૂરે દોર મે વો એક એક મુજાહિદ કે તરહ એક એક સૈપાઈ કે તરહ લડતે રહે જી ઓર ઓર લડને કા જો તરીકા ઓર અંદાઝ ઉનહોને અપનાયા વો બિલકુલ એ તੌਰ પર अदम तशद के रास्ते को अपनाते हुए गांधी का बड़ा फलसफा या गांधी की अजमत इस बात में है कि अपने मकसद के लिए तशद को इस्तेमाल ना किया जाए इसीलिए मैं कहता हूं कि गांधी अमन का दूसरा नाम है जी। जी। गांधी का जो जो फलसफा है वो हमारे नौजवानों को इस बात की तरफ रागब करता है कि वो अपने मकसद के लिए तशद को ना अपनाएँ बल्कि प्यार मोहब्बत और अखवत के रास्ते को अपनाएं आज़ादी के बाद की मिसाल आपके सामने मैं पेश करूं कि जब आज़ादी के बाद पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो हिस्से होने के बाद जब मुल्क के तूल व में ख़ासतौर पर दिल्ली से कलकत्े तक या उधर पशावर तक दूर तक जब जब फ़िर वाराना फसाद हिंदू मुस्लिम फसाद भड़क रहे थे या भड़काए जा रहे थे तो तब गांधी ने उस पर अपने नाराजगी का इजहार करने के लिए किसी तरीक़े को नहीं अपनाया सिवाय इसके कि उन्होंने मरण बर्त को रखा जी जी और उनके मरण व्रत के सामने पूरी कौम को सुरंगों होना पड़ा रहमतुल्लाह साहब कयूम साहब ने अभी फ़िरका परस्ती की बात की महात्मा गांधी के मुताबिक मजहब और सियासत में और मजहब और अखलाक़ियत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है या फ़र्क ही नहीं है जी जी बिल्कुल लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मजहब और सियासत के बीच में एक टकराव पैदा हो गया है बल्कि मजहब आमेज़ सियासत के वजह से तशद पैदा हो रहा है जी, जी। तो इस पस मंज़र में आप महात्मा गांधी के ख्याल सियासत और मजहब के बारे में जो है उस, उस पर रोशनी डालेंगे मजहब दरअसल आदमी को इंसान बनाने का एक बेहतरीन जरिया है जी और महात्मा गांधी इसी ख्याल के हामी थे महात्मा गांधी इस बात को मानते थे कि मजहब और सियासत एक ही सिक्के के दो मुख्तलिफ पहलू हैं जी और इनको हरगिस जुदा या अलग नहीं किया जा सकता महात्मा गांधी सर्विस टू ह्यूमैनिटी इस सर्विस टू गॉड के भी हामी थे और महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर अखलाकी तौर पर कोई बात गलत है तो वो सियासी तौर पर सही नहीं हो सकती जी महात्मा गांधी ये चाहते थे कि सियासत में मजहब दाखिल हो और मजहबी तालीमतात हों और मजहबी तालीमतात के असरात से सियासत पाक हो जाए गांधी जी ने एक मिसाल देकर भी अपनी बात को पेश की थी कि अगर मान लीजिए कि सियासत एक सांप है जी जी तो उस सांप को मारने का वाद जरिया सियासत में मजहब तो को रायच अगर हम सियासत में मज़हब को राइज करेंगे अखलाकियात को राइज करेंगे तो सियासत जो कि एक सांप की शक्ल इख्तियार कर चुकी है उसकी मौत वाकई होगी उसको हम बासानी ख़त्म कर सकते हैं आज ये जो खून खराबा हो रहा है मजहब के नाम पर वो मजहबी लोगों की बदौलत नहीं है बल्कि मजहब का नाम लेकर खिलवाड़ करने वाले लोगों दी। की दी। बदौलत है सही तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि मज़हब की जो रूह है सही तालीम हैं वो अगर सियासत में आ जाते हैं तो जाहिर है सियासत पाक होगी और सियासतदान बेहतर फैसले कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर नतज को हम हासिल करते हुए कौम को तरक्की की राह पर आगे ले जा सकते हैं जी नहीं रहमतुल्लाह साहब एक बात मैं आपकी इस बात में ये भी बात को जी, मैं जी। शामिल करना चाहूँगा इजाफा करना चाहूँगा कि गांधी के हाँ मजहब से मुराद कोई एक मज़हब कोई खास मज़हब नहीं था बिल्कुल सही हालांकि वो हिंदू थे और रोज़ाना गीता का मताल उनका मामूल था जी जी। आ, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे मज़ाहब से ना, ना मजहब का ना तो इनकार किए ना ही तो दूसरे मज़ाहब को किसी दूसरी नज़र से देखे उन्हों यहां तक उन्होंने, के, उन्होंने उन्होंने देखिए जैसे ना उनके गांधी के नज़दीक जो मज़हब का तस्वर था वो इंसानियत का मजहब था इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं हो सकता अगर आज इस बात को हम समझ जाएं, तो फिर मजहब और मज़हब के दरमियान टकराव कोई माने नहीं जी, रखता। खयूम साहब मैं ये भी कहना चाहूँगा सलील साहब गांधी जी ने यह भी कहा था कि एक मज़हब को ऐसा होना चाहिए जो आलमगीर कैफियत का हामिल हो यानी उसमें दीगर तमाम मजाहब के तमाम खसूसियात पाए जाते हों एक ऐसा मज़हब होना चाहिए लिहाजा उन्होंने कहा था ये ट्रू मुस्लिम हाँ, ये ट्रू हिंदू ये ट्रू हिंदू इज ए ट्रू मुस्लिम एज वेल एज ए ट्रू क्रिश्चियन आल्सो नाजरीन इस गुफ्तु का आगाज हमने एक सवाल से किया था सवाल ये था कि आलमियाना के दौर में क्या महात्मा गांधी के नज़रियात की मानवीयत और मौजूनीत है बिल्कुल है हासिल बहस ये है कि महात्मा गांधी की शख्सियत और उनकी तालीमत हमारे लिए मशरे हैं और रहेंगे प्रोफेसर रहमतुल्ला, डॉक्टर डॉ कयूम आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया